हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, मैं मास्क बनाने जा रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ कि मास्क 5 मिनट भी नहीं लगते और कैसे मास्क आप झट से बना लेते हो, कितनी अच्छी एकदम आपके फेस पर फिट होगा। आपने मेरा ब्लैक वाला देखा ही होगा, वो कि मैंने खुद ही स्टिच किया था और कितनी अच्छी फिटिंग आती है। मैं साइड में पिक लगा दूंगी और आप उसको देखना। सेम वैसा ही मास्क मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो कि मैं बनाऊंगी। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी मैं कैसे बनाती हूँ, तो आप भी बचे हुए कपड़े से घर पे बना सकते हो। अगर आपका कोई पुराना कॉटन का हो उससे भी बना सकते हो। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ इस कपड़े से, जो कि मेरी कुर्ती का कपड़ा था, बहुत पुराना डला हुआ था, तो मैंने सोचा इसमें से आराम से बन जाएगा। थोड़े से कपड़े की जरूरत होती है। अगर आपके पास बहुत कम कपड़ा है तो आप डिजाइनर, मतलब जो भी इसे ये कपड़ा है आपके पास ये कम है तो आप आगे के लिए इसको लगा सकते हो। पीछे जो अस्तर वाला इनर वाला कपड़ा आता है ना सिंपल, उसको भी लगा सकते हो। तो मैं आगे, मेरे पास थोड़ा ज्यादा ही दोनों साइड के लिए हो जाएगा, तो मैं इसको दोनों साइड इसको लगा लूंगी, क्योंकि कुछ काम का तो आने वाला है नहीं ये। और एक और है कपड़ा मेरे पास, उसका भी मैं बनाऊंगी, देख सकते हैं ये वाला। तो ये बहुत कम कपड़ा है, बहुत ज्यादा आगे के लिए भी बड़ी मुश्किल से निकलेगा इसमें से। तो इसमें मैं लगा दूंगी अंदर इनर वाला कपड़ा, तो कोई भी लगा सकते हो। फिर डबल, और ऐसा भी कर सकते हो आप, इसको एक साइड लगा सकते हो, ऐसा ही डिजाइन वाला कोई दूसरा दूसरी साइड लगा सकते हो, क्योंकि वो सारी सिलाई होती है ना वो अंदर होती है। तो फिर अब जब स्टिच करोगे तो सिलाई अंदर चली जाएगी, डबल साइडेड हो जाएगा, तो आप दोनों साइड से उसको पहन सकते हो मास्क को, ठीक है। तो चलो मैं बनाती हूँ, आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जल्दी से। और मैं अभी स्टोर रूम में हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरी मशीन रखी रहती है, तो आप पीछे भी जितना भी फैला एकदम फैला हुआ है तो इसको इग्नोर करना, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कैसे उसकी कटिंग करती हूँ। तो जल्दी से मैं कटिंग शेयर कर देती हूँ और फिर मैं तुरंत ही स्टिचिंग कर दूंगी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है, जल्दी से। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए। लेकिन लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर करके जाना, ठीक है। सब्सक्राइब तो कर ही लेना यार, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो जल्दी से कर लेना सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने व्हाइट पेपर ले लिया है और उस पे उसको डबल फोल्ड करके 6 इंची का निशान लगा दूंगी ऊपर से नीचे की तरफ। और मतलब ये मैं अपने लिए बना रही हूँ, तो अपने अकॉर्डिंग अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो थोड़ा कम करना, ठीक है। तो मैंने 6 इंची का ले लिया है टोटल। उसके बाद मैंने ऊपर से जो 6 इंची लिया था उसके बाद से नीचे की तरफ 1.2 इंची का निशान लगाऊंगी। ऐसे ही नीचे से 6 इंची का लिया जो निशान लगा है वहाँ से ऊपर की तरफ 1.2 का लूंगी। तो इसमें आपको 1.2 के 4 निशान लगाने हैं, जो कि 2 तो अभी हो चुके हैं, 2 और मैं लगाऊंगी। तो 6 इंची का ऊपर से लिया था, उस मैं चौड़ाई की तरफ मतलब इस साइड आपको 1.2 का फिर से लगाना है। ऊपर की साइड लगाया है, नीचे से ऊपर की साइड लगाया है, ऊपर से नीचे की तरफ, और ऐसे ही हमने साइड की तरफ लगा लिया है। और इसको तिरछे में जो 1.2 के लगाए हैं हमने, उसको तिरछे में हम जॉइंट कर देंगे। उसके बाद हम लेंगे इसकी चौड़ाई का, अपन को कान की तरफ कितना रखना है। तो मैंने यहाँ पर 5 इंची लिया है, आप 4 कर सकते हो, 4.5 कर सकते हो, बस 5 तो हाई है, मतलब आपका अच्छे से कान तक आएगा। उसके बाद मैंने 5 इंची का जो निशान लगाया है उस पे से नीचे की तरफ 1.8 इंची, नीचे से ऊपर की तरफ भी 1.8 इंची, और ये 2.5 इंची का मैं बीच में कान की तरफ आएगा वो मैंने वहाँ पे एक सीधा डंडा खींच दिया है। उसकी तरफ जो हमारा नोज वाला एरिया है उसमें मैंने घुमाव दे दिया है, देख सकते हो आप, थोड़ा सा राउंड शेप दे दिया है जिससे क्या है शेप बहुत अच्छा निकल के आता है। और जो ऊपर वाला एरिया है जो चिन का है, जो चिन की तरफ आएगा, उसको मैंने डायरेक्ट सीधा मिला दिया है 1.8 से 1.2 की तरफ, आप देख सकते हो, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। वो वाला नोज वाला एरिया है जिसमें मैंने थोड़ा सा शेप दिया हुआ है। उसके बाद मैंने अपना यहाँ पर कपड़ा ले लिया है जिससे मैं मास्क बनाऊंगी, तो उसको मैंने डबल फोल्डेड किया, उसके बाद 4 फोल्ड कर लिया है। जो मैंने पेपर पर कटिंग की थी उसको मैंने रख के इसको कपड़े को कट कर लूंगी। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप इनर वाला कपड़ा लगा सकते हो, डबल फोल्डेड जो भी आपका कपड़ा है आप तो वो लगा सकते हो। उसके बाद मैं इसको कट कर लूंगी। और आपको याद रखना है कि डबल फोल्डेड ही होना चाहिए, क्योंकि डबल जो अंदर आप सिलाई करोगे वो अंदर चली जाएगी, तो आपको दिखेगा नहीं कि मतलब कि इसमें आपने स्टिच किया हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ दोनों कपड़े अलग अलग कर लिए हैं, और जो 1.2 इंची का हमने निशान लगाया था उस पर मैं कर लूँगी स्टिच, और 2 सिलाई लगाऊंगी मैं यहाँ पर,
जिससे थोड़ा और अच्छा बनेगा, मजबूत बनेगा, सिलाई खुलने के कोई चांसेज ही नहीं रहेंगे इस वजह से। तो मैंने दोनों साइड लगा लूंगी डबल डबल सिलाई। दोनों कपड़ों पे आपको लगा लेना है अलग अलग करने के बाद। अब मैंने दोनों पे लगा लिया है। अब आपको याद रखना है कि दोनों की जो सीधी वाला साइड है, मतलब जो सीधा वाला साइड है, उसको अंदर फोल्ड करना है। उल्टी साइड से आपको चारों तरफ आपको स्टिचिंग करनी है, मतलब अभी तो ऊपर नीचे दोनों तरफ करनी है, आप देख सकते हो। और लास्ट में आपको ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है जहाँ पे अपन इलास्टिक लगाएंगे जो कान में जाएगी। तो मैंने इस पे भी दो दो सिलाई लगा दी है, देख सकते हो आप। तो आपको डबल फोल्डेड कर देना है साइड से, जिससे क्या होगा, अब मैंने इसको उल्टा कर दूंगी। तो अभी ये हो चुका है सीधा, मतलब उल्टा कर दूंगी जहाँ से सिलाई की थी उस तरफ से। तो अभी हो चुका है ये सीधा, और अभी इसमें इलास्टिक लगाना भी बाकी है, आप देख सकते हो। अभी इसमें मैं लगाऊंगी इलास्टिक, ब्लैक या वाइट कोई भी इलास्टिक आप लगा सकते हो, 2 रुपये मीटर मिल जाएगी आपको। तो इलास्टिक मैं 6 इंची ले रही हूँ, 6 इंची इनफ है, मतलब हम लोगों के लिए इनफ है 6 इंची। तो दोनों के लिए मैं ले लूँगी 12 इंची, और मैं इसको कट कर लूँगी दोनों साइड लगाने के लिए। तो जो हमने साइड में जगह छोड़ी थी तो उसमें मैं इसको लगा दूंगी। और आपको इलास्टिक में मतलब बुनी लगनी चाहिए अंटा टाइप के, तो आपको याद रखना है अच्छे से। मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी, और सिलाई यहाँ पे 2-3 सिलाई लगानी है, जिससे क्या इलास्टिक निकलने के कोई चांसेज ही ना रहे। तो मैं यहाँ पे दोनों साइड लगा दूंगी, और जो भी आपके एक्स्ट्रा धागे हैं और निकल रहे हैं आप उसको निकाल दीजिएगा। और इलास्टिक लगाते टाइम याद रखना कि अच्छे से आपको अंदर की तरफ जो कपड़ा है वो फोल्ड कर देना इसी टाइम पर। तो यहाँ पे अच्छे से आपको इलास्टिक को अंदर की तरफ रखना है, और सिलाइयाँ 2-3 लगा देनी है आपको, क्योंकि फिर जिससे निकलेना। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, और आगे मैं आपको बताऊंगी इसको पहन के कि कैसा लुक आने वाला है। और बहुत ही अच्छा बना हुआ है मास्क। तो दोस्तों मास्क बनके हो चुका है तैयार, आप देख सकते हो कितना प्यारा बना है। अभी मैं इसको पहन के दिखाती हूँ आप लोगों को। और ये पिछली बार मैंने बनाया था ब्लैक कलर का, ये देख सकते हो। इसमें आगे मैंने ये वाला कपड़ा लगाया था, पीछे लगाया था मैंने व्हाइट कलर का, क्योंकि ये थोड़ा वैसा कपड़ा था, देख सकते हो आप चिकना जैसा। और ये है कॉटन का, और मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने सोचा कि देख सकते सेम टू सेम बनाया, थोड़ा अलग टाइप से, उस टाइप से नहीं बनाया, यहाँ पे चुपता है उस टाइप से भी मैं आपको बताऊंगी बना के। तो उससे पहले मैं आपको इसको पहन के दिखाती हूँ। आप चाहो तो प्रेस भी कर सकते हो। कैसा लुक आएगा इसका, ऐसा लुक आएगा। अब मैं चश्मा निकाल देती हूँ, चश्मे में थोड़ा भाप जा रही, देख सकते हो एकदम कवर हो चुका है, ऊपर से इस टाइप से लुकाया है, देख सकते हो साइड से, देख सकते हो आप यहाँ तक भी कर सकते हो। मैंने एकदम कान के पास तक किया है, देख सकते हो दोनों साइड इस टाइप का लुकाया। उस साइड से भी आप पहन सकते हो, अगर आप उस साइड दूसरा कपड़ा लगा रहे हो तो फिर दोनों साइड से आप पहन सकते हो, देख सकते हो। तो आप ऐसे अपने घर पर मास्क बना सकते हो कुछ ही टाइम में, देख सकते हैं बनके तैयार हो चुका है। अगर आप स्टिचिंग कर रहे हो, अगर आपका कपड़ा फूला हुआ है वैसा है, तो आप इस पे आयरन भी कर सकते हो, मतलब प्रेस भी कर सकते हो, प्रेस भी कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये हो गए मेरे मास्क, ये दोनों मास्क मैंने बनाए, देख सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो, और अगर आप बनाना चाहते हो मास्क तो बना लेना इस टाइप से मैंने आपको बताया है। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। लेकिन वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।